Thank you.
Thank you.
आखिर जिंदगी की गलाजत से तंग आकर उसने एक बार फिर भागने की कोशिश की और उस दिन खुशकिस्मती ने उसका साथ दिया। शहजाद के अलावा उस दिन उस जगह पर कोई और नहीं था। जिस्म फरोशी के धंधे से जो खवातीन निकलना चाहती हैं, उनकी आबादकारी और बहाली के लिए हम बहैसियत कौम यहाँ इंफरादी तौर पर क्या कर सकते हैं? अगर आप उनको रोजगार के मुतबादिल मौके मुहैया करेंगे तो मैं समझती हूँ बहुत सारी ऐसी औरतें जो इस कारोबार में बिल्कुल बहालत मजबूरी जाती हैं, और अगर उनके पास दूसरी ऑप्शंस अवेलेबल हो काम के हवाले से, रोजगार के हवाले से, तो मैं समझती हूँ कि वो बिल्कुल इस कारोबार में से बाहर निकलने के लिए तैयार होंगी। उन खवातीन को थामना चाहिए जो बेसहारा हो गई है, जो लावारिस हो गई है, जो अपने बच्चों को यतीम होने के बाद देख नहीं पाती है और अपने आप को गुनाहों की तरफ डाल रही है। होता क्या है, जब एक औरत हमसे मदद लेने आती है तो हम मदद की तरफ नहीं बढ़ते, लेकिन जब वही औरत हमसे इशारतन किनारतन कोई बात करती है तो हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। वो 2000 रुपए का राशन नहीं डलवाते, 20000 रुपए उस पर खर्च करने पर राजी हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ उस औरत से ज्यादा हम बदनसीब हैं, जो लोग इन चीजों के अंदर मुलव्वस हैं वो सब बदनसीब लोग हैं, और अल्लाह उनको अकल दे और ऐसी औरतों को थामने की हिम्मत दे। इस सिलसिले को अगर रोकना है हमने तो वो सिर्फ ये एनफोर्समेंट मैकेनिज्म के थ्रू ये काम नहीं होगा। ये तो एक समाजी मसला है, एक माशी मसला है, एक सोशल वाइस है, और उसके लिए पूरे के पूरे माशरे को सरगर्म अमल होना चाहिए। हुकूमत नई पॉलिसियां बना ले, एनजीओज इंसानी हकूक की पामाली का शोर डाल लें, कानून नाफिज करने वाले इदारों का जमीर जगा लें, या कौम अपने फराइज निभाने की कसम खा लें, मगर उस जिंदा लाश का क्या जिससे हर सांस उसकी जिंदगी छीन रही है।